आ गए आप? कैसा रहा आपका दिन? एक पोल से नहीं बिकी मेरी, सारा दिन घूमता रहा मैं इधर से उधर, पूरी जिंदगी निकाल दी मैंने सपने लेते लेते। एक दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी, इक्के की ट्रेल आ जाएगी, सेटिंग करता रहा इधर से उधर, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे से छोटे छोटे आधी उम्र के लड़के लड़की भैया भैया दीदी दीदी करके कितनी सारी पॉलिसी बेच गए, पर मैं जब गया तो वो मेरे से दूर भाग रहे लोग, उनको लगा मैं डाका डाल दूंगा उनके घर पे, साले मेरे कपड़े नहीं दिख रहे, क्या शरीफ आदमी हो गया हूं मैं? ये तो मेरे फिर माथे पे कलंक लग गया ना मेरे, ऐसी रेपुटेशन होगी मेरी अब। लगता है मेरे नसीब में पति की कमाई का सुख लिखा ही नहीं। झोली भर भर के सुख लिखा है मामी, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ सोने के लिए। जा। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं कि कैसे ठीक हो जाएगा सब। मैं तो कहता हूँ झांझर जाने के लिए सामान बांधना शुरू कर दो। घबराओ मत, मुझे रास्ता मिल गया है। क्या रास्ता? तुम्बा आज तू माछ भात बनाना और साथ में मिष्टी दोई। मेहर ये तुम्हारी आंखें आंखें नहीं, मैं खाना है। जी भर के निगाहों से शराब पिलाओ। झुमका ए मैं तेरा रोशगुल्ला। तू शटर बंद करके बाहर क्यों खड़ी हुई? क्या हुआ सोना? मैं अगर मुंह पे ताला लगा देगी तो मुझे गजल कौन सुनाएगा? मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं? मेरी खुशी तो यही है। तेरे नानू मिस्टर इंद्र शर्मा बहुत शौक से अपनी सारी की दुकान चलाया करते थे, जो उन्हें बहुत खुशी देती थी। इंदु क्या कर रही हो तुम? इंदु अब तक कोई जीता नहीं है। देख इंदु बेटे, मैं ना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा पति भी मुझसे प्यार नहीं करता, और वैसे भी ना तो मैं कमा सकती हूँ और ना ही मैं अपने पैरों पे खड़ी रह सकती हूँ, इसलिए इन पैसों पर मेरे बुढ़ापे का ही हक होना चाहिए ना। नानी अब बस एक हार के लिए इतना पागल हो रही हो? हाँ अगर आप चाहो ना तो हजारों हार आपके गले में होंगे, फिर नानू भी सिर्फ आप ही को देखेंगे और किसी को नहीं। रहने दे इंदु, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है? बैठो। नानू को अपने साड़ी की दुकान से कितना प्यार था, अगर आप शुरू से उनकी हेल्प करती तो वो झुम्पा महल किसी के पास नहीं जाते, दुकान का मुनाफा भी होता और दुकान कभी बंद भी नहीं होती। हाँ ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है नानी, अगर नानू की साड़ी की दुकान फिर से खुल जाए और आप उनका हाथ बढ़ाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ये तो बहुत सही बात कही तूने, लेकिन दुकान खुलेगी कैसे? नानी रास्ता है हमारे पास, नानू की दुकान भी खुल जाएगी और आपकी किस्मत भी। अच्छा आओ।
मेरी दुकान फिर से खुल गई। मैं फिर से अपनी दुकान चलाऊंगा। देखा बबी, कितनी छोटी सी है ये, लेकिन इतने बड़े बड़े काम कर लेती है। थैंक यू इंदु। इंदु, लेकिन तुझे नानू के दुकान के बारे में पापी ने मुझे बताया था। और इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? शर्म से ना तो मर ही जाऊं। इंदिरा, इंदु ने मुझसे कहा कि नानी आप है ना बच्चों को वापस कथक सिखाना शुरू कर दो। हाँ मम्मी जी, मैं भी। हाँ हाँ, अरे आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। गुरु है तेरा भाई? मैं अकेली नहीं हूँ, वनराज भी है मेरे साथ। वनराज एडवांस लेवल में है और मैं बेसिक लेवल सिखा रही हूँ। पता है इंदिरा, जो बच्चे यहाँ सीखने आते हैं ना, उनसे तो मैंने एडवांस में पैसे भी ले लिए। हाँ, और ये दुकान भी। अच्छा, तूने? जी। तेरी आंखों में आंसू आने का एक भी मौका नहीं छोड़ा मैंने जिंदगी भर, और आज तूने अपने खून पसीने से मुझे मेरी दुकान वापस दिला दी। ये दुकान मेरा गुरूर था, मेरा आत्मविश्वास। ये बंद हो गई थी तो मैं तो बिखर ही गया था। तो ठीक है, आज तूने अपने पति का बिखरा हुआ आत्मविश्वास दोबारा जोड़कर पत्नी होने का धर्म निभा लिया है। तो अब मेरी बारी है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? समझ लीजिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा तुझसे, बल्कि अपने आप को बदलकर पति का फर्ज निभाकर मैं तेरा, मेरी पत्नी का मैं विश्वास दोबारा जीत लूंगा। ठीक रहेगा? जिंदगी भर अंधेरे में भटकता रहा मैं, लेकिन कुटुंब तुम ही हो मेरी सच्ची जीवन संगनी। देखना बाबी, ऐसे ये इंदु, मैंने किसी ना किसी जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, वरना इसकी ये इंदु, मतलब इनकी ये इंदु हमारे घर में नातिन बनकर कैसे आ गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू बेटा, इतनी छोटी सी है लेकिन इसने बड़ों को रास्ता दिखा दिया। अब चलो, रोना धोना बंद कर दो, अब सब लोग मेरे साथ चलो, मेरे पास एक और सरप्राइज है। चलो, एक और? अरे हाँ। चलो 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 चलो। सारे के सारे, हीरा मैं। क्या ये क्या है? साथ में बोतल पकड़ा रखी मैं। ये देखो। ओ मुन्ना भाई, ये देखो। ओए रुको, ये मुन्ना। कमाल। पापा, आप बहुत अच्छे स्केचेस बनाते हो, और ये आपकी सारी मेहनत एक बंद कमरे में रहे और एक बक्से में, ये मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एग्जीबिशन किया जाए।
और पता है ये सारे की सारी फोटो ईशान भैया ने इंटरनेट में भी डाल दिया। और सबसे धमाकेदार बात, ये सारे के सारे फोटो बिक गए हैं सिवाय एक के। सपना तो नहीं देखा हूँ। ये लो आपकी मेहनत की कमाई। अब तो यकीन हुआ ना, अब बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हो, ये मैं नहीं पूरी दुनिया कह रही है। अब आप सिर्फ वही करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप किस अंदर के सोए हुए कलाकार को जगाइए और जल्दी काम पे लग जाओ। आप आपके अंदर कलाकार का एक हीरा छुपा हुआ है जिसकी असली जौरी निकली मेरी बेटी, जिसने ना मेरी कला को पहचाना बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया। थैंक यू बेटा। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है? अरे तुम्हारे पापा के इन कार्टून्स पे। तुम्हारे कार्टून्स लाजवाब है ऋषि बेटा। मेरा वाला तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन सबसे अच्छे ये जो मुन्ना का है ना। वाकई में क्या पारखी नजर है तुम्हारी ऋषि बेटा। हमारे मुन्ना के जीवन का पूरा सार तुमने निचोड़ के रख दिया इन तीनों कार्टून। देखो भाई देखो, मुन्ना दारू से नहाता है और दारू से मंजन भी करता है। मुन्ना के जहन में दारू और पहन में भी दारू। भाई मुन्ना का दिन शुरू होता है दारू से और खत्म होता है दारू से। तभी तो कार्टून दारू के दुकान के मालिक ने खरीदा है। भाई सब क्या ये सब, अरे ये मजाक कर रहे हैं। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि आपकी सारी पेंटिंग्स बिक गई है। हाँ बिक गई सारी पेंटिंग, और ये सारी दारू वाली मेरी। और ठीक भी है ना, हूं भी तो मैं शराबी निठल्ला और वैसे ही रहूंगा। सारे किसी न किसी काम पे लग गए सिवाय मेरे। हट। अरे कहाँ जा रही हो, पहले वो पिक्चर तो देख कर जाओ जो हमने बेची नहीं है। आ। अरे मैंने तो बनाई है, कौन सी नहीं बिकी। ये देखो अच्छा है ना, मेरे चीकू से भाई कितना क्यूट है ना। इंदिरा क्या हुआ? अरे इंदिरा लगता है समय हो गया। ना निहाल अपने चीकू को पाके। हाँ मेरे चीकू भाई कितना क्यूट है, कितना छोटी सा है, बहुत प्यारा है। तो इंदु अब तो शर्त हार चुकी है, क्योंकि मैं देख रही हूं कि घर के सारे लोग काम कर रहे हैं सिवाय एक के, तेरे मुन्ना मामा के। वो अब तक कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए अब तू हार गई और अब हम सब झांझर जाएंगे। किसने कहा मुन्ना मामा को कोई काम नहीं मिला? खुशी की तो बात यह है घर में सबसे ज्यादा मुन्ना मामा ही कमाएंगे। क्या मजाक कर रही है तू,
भला ऐसे कौन नौकरी देगा? जलवा बार एंड रेस्टोरेंट। वहाँ क्या, तू वेटर बनने वाला है? हाँ मम्मी सेट अप। किंतु पता जरा इनको मैं क्या बनाऊँ, पता जरा एक बार। नानी वेटर नहीं, बार टेंडर है। बार टेंडर नहीं, हेड बार टेंडर। पूरी उम्र दारू पी है मैंने, मेरे से ज्यादा नॉलेज है क्या किसी को दारू की? वो जलवा बार का मालिक फैन हो गया मेरी नॉलेज देख के और पकड़ा दी मेरे को चाबी बार की, कहता सारी ड्रिंक तू ही बनाएगा। हाँ नहीं तो पूरी उम्र दूर भागता रहा दारू से, अब लोगों को दारू पिला पिला के पैसे कमाऊंगा मैं। और मेरा ये टैलेंट पहचाना मेरी बांजी ने। डार्लिंग तेरा मामा फैन हो गया तेरा। अब हम चांदनी चौक छोड़ के झांझर नहीं जाएंगे। मैं जीत गई। देखा ऋषि, हमारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई ना, कभी कभी हमारे बच्चे ही हमें जीना सिखाते हैं। जिन सपनों को हम भूल कर बैठे थे वो इसे याद था, और याद किया बल्कि उसने पूरा भी किया। मैं बहुत खुश हूं ऐसी बेटी पाकर। क्यों चिकू, तू भी खुश है ना ऐसी दीदी पाकर? और चिकू तू खुश है ना हेड बारटेंडर मामा पाके? जब भी तू मेरी बार में आएगा ना तेरे को फ्री ड्रिंक इस बोतल के अंदर, पटियाला पैक बना के दूंगा तेरी हड्डियां मजबूत करने के लिए, पर दूध का। देर आए दुरुस्त आए, आके शर्मा निवास में सब कुछ ठीक हो ही गया है। सारे लोगों ने अपने कंधों पर अपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली है। खुशी ने भी यह तय कर लिया कि वो हमारे साथ ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है, ऐसी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ना? लेकिन अभी तक हमारी हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है, क्योंकि मैं अब भी जॉबलेस हूँ। तुम्हारे तो सबसे अच्छी जॉब है मेरे पास। अच्छा? फसल बेचकर जो पहली कमाई होगी उससे बच्चों की जरूरत पूरी करना। बच्चों की परवरिश में कोई समझौता नहीं, और अपने आन बन फिजूल खर्चों में उन्हें आप अनदेखा नहीं करोगे, यही इस अदालत का फैसला है। क्यों बड़ी हिटलर? यस छोटी हिटलर। जब तक चांदनी चौक में आप सबकी हिटलर का राज है, तब तक चांदनी चौक में जंगल राज नहीं चल सकता, क्या समझे? आप सब समझ गए छोटी हिटलर। और आज से छोटी हिटलर ही करेगी शर्मा निवास और चांदनी चौक में राज। हिंदू जरा बता, ये पैसों की माला किसे मिलेगी? मेरे को मिलेगी सब, जरा पैसे कमाने वाली नौकरी मेरी है। अरे मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तुम लोग तो बाद में करोगे। मेरा इतने साल हम लोगों ने काम किया उसका क्या, हम मुझे ही मिलेगी। हाँ ओए इंदू, ये क्या हो रहा? कितना झगड़ना है झगड़ लो, क्योंकि सारे नोट तो नकली है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, पर अगर मौका मिलेगा तो जरूर वापस आएंगे, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब भी कुछ हंसी कहीं अटकी हुई है, कुछ सपने अधूरे हैं, और इन्हें पूरा करने हम वापस जरूर आएंगे। घबराइए मत, मैंने लेटर में सब कुछ लिख दिया है। Thank you.
परिवार के निठल्लों को काम पे लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। टेंशन कभी लेती नहीं, हंसना मेरी आदत है। दिल्ली भीड़ भाड़ वाला शहर है, पर मुझे कभी सब कुछ खाली खाली सा लगता है। यूं तो सब कुछ परफेक्ट है मेरे चारों ओर, पर फिर भी कोई मिसिंग है जो अपना सा लगता है। जाने कौन है वो। ओ हिडन दीदी।